अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं एस ए टाइम्स। आज मेरे साथ फ्रेम में जिस लड़के को देख रहे हैं, ये भी वही टैलेंट है पाकिस्तान का जो कि सताया हुआ है, ये भी वही टैलेंट है पाकिस्तान का जिसे प्लेटफॉर्म चाहिए, ये भी पाकिस्तान का वही टैलेंट है जो फाइनेंशियली तंग है, ये भी पाकिस्तान का वही टैलेंट है जो कि दर बदर धक्के खा रहा है। और ये मेरी सारी बातें सच्ची हैं या झूठी हैं, ये इस चीज का आइडिया आपको अंदाजा भी हो जाएगा जब आप इस लड़के को सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या चल रहा है लाइफ में? थोड़ा सा आगे आ जाओ। कुछ भी नहीं फिलहाल, तो टेंशन है कि जिस टाइम जॉब मतलब के हालात हैं, थोड़ा आगे आओ ना जानी। ये नहीं, नहीं। हाँ। उस हिसाब से तो सिर्फ टेंशन है और कुछ नहीं है। टेंशन है। कब से कर रहे हो सिंगिंग? यार शौक तो बचपन से ही है। खैर ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं गाना सुनना चाहूंगा और आप ये चाहूंगा कि ऑडियंस जो है वो सबसे पहले टैलेंट देख ले, उसके बाद ही हम फर्दर बात करेंगे। वेल क्या सुना रहे हो? अजीत का बर्फी मूवी का फिर ले आए थे। ओके। फिर ले याद मजबूर क्या कीजिए, रासना रहे न दूर क्या कीजिए, देख है रहा अरे क्या बात है लड़के, उसे मुकम्मल कर दिया, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, क्या बात, वो जो अधूरी सी चाह बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजे, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजे, देख रहा उसे मुकम्मल कर दिया, वो जो दूरी सी बात बाकी है, वो जो दूरी सी चाह बाकी है। अरे भाई क्या बात है यार, मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मुस्कुरा के बात करूं, लेकिन मुझे लड़के ने मजबूर कर दिया है ब्रो। ये टैलेंट है जिसकी आपको पीछे से आवाज आ रही है, लेकिन यार मैं सच बात बताऊं, खुदा की कसम ऐसे टैलेंट को देखा करो, प्रमोट किया करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, एक क्लिप तुमने देखना होता है और उस बंदे की लाइफ बन जाती है, उसकी बात बन जाती है, जो टैलेंट उसमें होता है वो तुम तक पहुंच जाता है। असल चीज तो यही है ना, असल जो फेम मिल रहा है ना वो बस आप आओ डांस करो जैसे वो मेरा दिल ये पुकारे, नथिंग टैलेंट, लेकिन वो बहुत जुदा मिल रहा है। एंटरटेनर है हमारा, बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा आएगा स्क्रीन पे, बहुत जल्द आ रहे उसे। वेल नाम क्या बताया? अली रजा ने मैम। अली रजा, अली रजा कब से करो सिंगिंग? शौक बचपन से ही है, मैंने कलाम इकबाल में बाशी साहब से नाम लिया है, मैंने ऑल पाकिस्तान जीता है पंजाब में। कलाम इकबाल कौन सा पढ़ा था? लोहो भी तो कलम भी। अरे वाह वाह वाह, एक शेर सुना दो, मेरा फेवरेट है, मैं इसलिए सुनना, लड़का इतना सुरीला है कि आप मुझे यहाँ पर सुन के जो ना मेरे कानों में इसकी आवाज रच रही है, और मैं चाहूंगा कि एक शेर से। लोहो भी तो कलम भी तो तेरा वजूद किताब गुंबदया नरम तेरे मुहित में हुआ। यार लड़के माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा की कसम मैं इससे क्या पूछूं, मैं खुद जानता हूं कि एक टैलेंटेड आदमी की स्ट्रगल क्या होती है। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपनी आईडीज बताओ, अपना इंस्टाग्राम बताओ, अपना यूट्यूब चैनल बताओ, अपना टिकटॉक आईडी बताओ। मेरी टिकटॉक आईडी है अली रजा 512 और इंस्टा अली राजी अली शाह। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो पब्लिक से? नथिंग, बस यही कि टैलेंट जो है उसको प्रमोट करें, क्योंकि ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे गाते हैं, जो क्योंकि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है, सो वो क्योंकि किसी हर किसी में इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी है, बट हमारे पाकिस्तान में उसको प्रमोट नहीं किया जाता। इनफैक्ट कि आप जो लाइक
वर्गुलर जो इस टाइम वगैरह हमारे माशरे को प्रमोट कर रही है, तो इससे अच्छा है कि किसी टैलेंट को प्रमोट करें जिसमें कोई फायदा भी हो। इन चीजों को प्रमोट करने से अच्छा है कि टैलेंट को प्रमोट करो, इसकी कदर करो, कसम खुदा की ये वो हीरे हैं, ये वो ये आतिफ असलम है, यही राहत अली खान है, यही नुसरत अली खान भी है। ये मैंने इस सेंस में बात की है कि आपने बनाना है इन्हें, ये घर बैठे बैठे नहीं बनते, इनको देखो, इनको सपोर्ट करो, इनको अप्रिशिएट करो। कमेंट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा दिल छोड़ दो, उस बंदे का दो बोतल खून बढ़ जाएगा, खुदा का वास्ता। तुम्हें ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, प्रमोट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरा भी चैनल जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।